नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हर 10 साल में आधार से जुड़े दस्तावेज करारे होंगे अपडेट। जल जीवन हरियाली, 12,400 कुओं का हुआ कायाकल्प। बड़ौनी रिफाइनरी से शुरू हुआ हवाई जहाज के ईंधन का उत्पादन। इन जिलों में बालू माफियों के खिलाफ संयुक्त अभियान। भारत की हार के बाद रमीज राजा का तंज। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। होर्डिंग या फ्लेक्स लगाने के मामले में सरकार लाएगी नई पॉलिसी। शहरी क्षेत्रों में मनमाने ढंग से कहीं भी होर्डिंग या फ्लेक्स लगाने पर अब सरकार अंकुश लगाएगी, क्योंकि इससे जुड़े सरकार नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत अब अलग अलग इलाकों में खासकर खास जगहों पर होर्डिंग लगाने के लिए आपको खास शुल्क देना होगा। बता दें कि अभी तक सरकार के खाते में होर्डिंग्स लगाने वालों से एक पाई तक नहीं मिल पाता है, जबकि होर्डिंग्स पथ निर्माण विभाग की सड़क और शहरी निकाय के अधीन जो क्षेत्र है उनके क्षेत्र में लगाए जाते हैं। इस संबंध में सरकार का आकलन है कि होर्डिंग्स के इस धंधे में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व है। जिस एजेंसी के माध्यम से होर्डिंग्स लगाई जाती है वह अपने क्लाइंट से इसके लिए एक मोटी राशि वसूल करती है। हालांकि कुछ मामलों में जगह को लेकर स्थानीय प्रशासन के स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर लिया जाता है। 2500 से अधिक कैमरों की निगरानी में रहेंगे राजधानी वासी। अब राजधानी वासी पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम के तहत आगामी 15 दिसंबर तक पूरे शहर में 2,528 सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद पटना स्मार्ट सिटी की ओर से तैयार इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम की कमान जनवरी से पटना पुलिस को सौंप दी जाएगी। इसके बाद पटना पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम से मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर लगे 50 कॉल बॉक्स भी काम करना शुरू कर देंगे। इससे किसी तरह की समस्या होने पर लोग उसके बारे में बता सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के जिम्मेदार अधिकारियों पर पीएच हुआ सख्त। राज्य में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। दरअसल याचिकाकर्ता का कहना है कि स्टेट ड्रग कंट्रोलर की लापरवाही की वजह से कुछ दवाओं पर पूरे भारत में प्रतिबंध लगा दिए जाने के बावजूद इन दवाओं को बिहार राज्य में बनाया और बेचा जा रहा है। मामले के प्रकाश में आने के बाद करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद आज भी किसी भी कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अब कोर्ट ने राज्य में स्टेट ड्रग कंट्रोलर की स्थायी नियुक्ति के लिए उठाए गए कदम के संबंध में प्रधान सचिव को सूचित करने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई आगामी 25 नवंबर को होगी। नामांकन के साथ ही बीवी की गरमाई राजनीति। वीवी में छात्र संघ के लिए नामांकन खत्म होने के बाद राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। बता दें कि सभी उम्मीदवार वोटरों को रिझाने के लिए तरह तरह के व्यवस्थाओं को उनके लिए कर रहे हैं, जिनमें एक तरफ अगर वोटर्स को गोलगप्पा के साथ चौमिन दी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर उम्मीदवार वादों की लंबी लंबी लिस्ट दे रहे हैं। बता दें कि इस चुनाव में सेंट्रल पैनल के लिए 44 व काउंसलर के लिए 80 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन करवाए गए हैं। 14 नवंबर को आपत्ति के बाद उम्मीदवारों के नामों की फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी और 19 नवंबर की सुबह 8 बजे से दो चरणों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठंड बढ़ते ही विदेशी पक्षियों का पटना प्रवास शुरू। ठंड बढ़ते ही विदेशी पक्षियों का पटना आना शुरू हो गया है। वहीं पटना में एक स्थान जैसा है जहां हर साल देसी पक्षियों के साथ विदेशी पक्षियों का घर बना नजर आता है। हम बात कर रहे हैं पुरानी सचिवालय स्थित राजधानी जलाशय की। फिलहाल राजधानी में 3,000 के करीब प्रवासी पक्षी पहुंच चुके हैं। इनमें 200 विदेशी पक्षी शामिल है। वहीं दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक 5 और प्रजातियां के विदेशी पक्षी के आने की उम्मीद है। डीएफओ की दी गई जानकारी के अनुसार यहां प्रवासी पक्षी इसलिए आते हैं क्योंकि यहां उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है। जल जीवन हरियाली, 12,400 कुओं का हुआ कायाकल्प। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ग्राम पंचायतों के द्वारा अब तक राज्य भर के 12,400 कुओं का कायाकल्प किया गया है। वहीं 500 कुएं ऐसे हैं जिनके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, जिसे लेकर पंचायती राज विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि सभी कुओं के काम को खत्म कर रिपोर्ट भेजा जाए। इसके साथ ही इस अभियान के तहत कुओं के जीर्णोद्धार के साथ वहां समीप में तथा चापाकलों के नजदीक सोख्ता का भी निर्माण किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल का संरक्षण करना और भू जल स्तर मेंटेन करना है। इन जिलों में बालू माफियाओं के खिलाफ संयुक्त अभियान।
बालू माफियाओं के खिलाफ पटना, भोजपुर और सारण जिले में संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले नए बालू घाटों की बंदोबस्ती और अवैध बालू खनन को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान खान एवं भूतत्व विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हारा ने पटना, सारण, भोजपुर के अलावा गया, बांका, जमुई, वैशाली जिले में अवैध खनन को लेकर शिकायत मिली थी। इसके बाद मुख्य सचिव ने बालू माफियाओं के खिलाफ पटना, भोजपुर और सारण जिले में संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया। हर 10 साल में आधार से जुड़े दस्तावेज कराने होंगे अपडेट। अगर आपने भी अपने आधार को पिछले 10 साल से अपडेट नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेजों को माई आधार पोर्टल और माई आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से इसके लिए पोर्टल और ऐप में नई विशेषता डॉक्यूमेंट्स अपडेट जोड़ी गई है। बड़ौनी रिफाइनरी से शुरू हुआ हवाई जहाज के ईंधन का उत्पादन। बीते दिन शुक्रवार से स्वदेशी तकनीक पर आधारित एविएशन टर्बाइन फ्यूल के उत्पादन की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इस फ्यूल के उत्पादन की शुरुआत बड़ौनी रिफाइनरी में की गई है। वहीं प्रति घंटे इसके उत्पादन की क्षमता 50 टन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह यूनिट स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिसका अनुसंधान इंडियन ऑयल R&D सेंटर एवं मेसर्स EIOL ने मिलकर किया है। बताते चले कि बड़ौनी रिफाइनरी से उत्पादित ATF से पटना, दरभंगा, गया और नेपाल के हवाई अड्डों को ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। टेरिकॉट का खाकी वर्दी पहनकर नियुक्ति पत्र लेंगे दरोगा। पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि बिहार पुलिस के लिए चयनित तीनों रैंक के पुलिसकर्मी टेरिकॉट का खाकी शर्ट पैंट पहनकर नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने आएंगे। इन तीनों रैंक के पुलिसकर्मियों में दरोगा, सार्जेंट और सिपाही को शामिल किया गया है। बता दें कि बिहार पुलिस में 2213 दरोगा, सार्जेंट और 8246 सिपाहियों का चयन किया गया है। वहीं 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों पटना के गांधी मैदान में सभी पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। अब तेजी से गिर रहा प्रदेश का पारा। बिहार की राजधानी पटना सहित सूबे के ग्रामीण इलाकों में ठंड बढ़ रही है। स्थिति ये हो गई है कि राज्य में उत्तर पछुआ हवा अपना असर दिखाने लगी है। ठंड को लेकर मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। ग्रामीण इलाके में पारा गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अब लगातार पारा गिरेगा और प्रदेश में ठंड की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 13 से 14 नवंबर के बीच पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। इस दौरान राज्य में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही हटेगा नीलगाय और सुअरों का बसेरा। दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे से सटे एयरपोर्ट परिसर में नीलगाय व जंगली सुअर ने डेरा डाल रखा है, जिसे हटाने में वन विभाग की टीम लगातार नाकामयाब हो रही है। लेकिन दरभंगा हवाई अड्डा से नीलगाय हटाने के संबंध में वन विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद से सूटर को बुलाया जा रहा है। जल्द से जल्द नीलगाय को हटवा दिया जाएगा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हवाई अड्डा गेट से टर्मिनल तक अतिशीघ्र शेड बनवाने का भी निर्देश दिया। कहा कि हवाई अड्डा पर एक ही एप्रोन है, इसकी संख्या बढ़ाकर 5 की जाए। दलाई लामा के प्रवचन का 20 भाषाओं में होगा प्रसारण। आगामी 20 दिसंबर को दलाई लामा के बिहार आने की खबर संभावित है, लेकिन इस खबर से बौद्ध श्रद्धालुओं में खुशी देखी जा सकती है। दलाई लामा 20 दिसंबर को ज्ञान की धरती बोध गया आएंगे, जहां वो 3 दिन 29, 30, 31 दिसंबर को प्रवचन देंगे। दलाई लामा का संभावित आगमन की तैयारियां भी की जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनका प्रवचन विश्व की 20 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा, इसकी भी तैयारी की जा चुकी है। बताया गया है कि विश्व के 50 देशों के श्रद्धालु अपने दलाई लामा का प्रवचन सुनेंगे। यही नहीं, 50 देशों के करीब 60,000 श्रद्धालु बोधगया में दलाई लामा का प्रवचन सुनने आएंगे। वहीं दलाई लामा तिब्बती में प्रवचन देंगे। शिक्षक बहाली को लेकर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को दी चेतावनी। शिक्षक बहाली में हो रही देरी राज्य के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसको लेकर अभ्यर्थियों द्वारा लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल निकल कर सामने नहीं आया है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी हमेशा से सरकार को घेरती नजर आई है और एक बार फिर से बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन सरकार को चेतावनी दी है। संजय जायसवाल ने अपने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा है कि CM साहब से निवेदन है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता है। इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के 7वें चरण के नियोजन की प्रक्रिया जल्द आरंभ करवाए, नहीं तो हमें सड़कों पर निकलने में देरी नहीं लगेगी। भारत की हार के बाद रमीज राजा का तंज।
टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड से मिली शर्मनाक हार के बाद पूर्व क्रिकेटर्स लगातार तंज कस रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी चीफ रमीज राजा, शोएब अख्तर और वसीम अकरम जैसे दिग्गजों ने भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में राय जाहिर की। वहीं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा, अरबों डॉलर्स की लीग के क्रिकेटर्स वाली टीम पीछे रह गई और पाकिस्तान आगे निकल गया। वहीं दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर ने इंडियन पेस बैटरी पर कहा, भारत में कोई एक्सप्रेस फास्टर बॉलर नहीं है। पूर्व कप्तान वसीम अकरम भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने कहा, आईपीएल बिल्कुल बेअसर लीग है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, कुलदीप कुमार, मोहम्मद नौशद राजा, रवि शंकर, के सिन्हा, श्रीकांत कुमार, शंकर मुखिया, दिलनवाज यमी, विकास कुमार, उमेश ऋषिदेव, राजीव कुमार, अनवर करीम खान, मृत्युंजय कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली से लोगों को कितना फायदा पहुंचा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए